Hello students of class 6. Today I am going to teach you English First. This is your English First book, Hello English Reader. I am going to explain you chapter 1. Chapter number 1, Anansi in a Fix, page number 7. This is the story of greedy Anansi who wanted to go in the feast that was in the upper village as well lower village on the same day at the same time. He thought a trick to fulfill his desire. He took help of his sons and puffed out like a balloon. The sad truth was, greedy Anansi had turned into a spider. ये स्टोरी अनांसी के बारे में है जो कि वो अब ऊंचे गांव में और नीचे गांव में दोनों में वो दावत खाने जाना चाहता था जो कि एक ही दिन और एक ही वक्त पर थी। उसने एक ट्रिक सोचा जिससे कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। उसने अपने बेटों से मदद मांगी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बलून की तरह खुल गया। और सच्चाई ये थी कि अब वो अनांसी एक स्पाइडर में चेंज हो गया था। एंड दिस स्टोरी विल टेल यू दैट हाउ इट हैपेंड और व्हाट हैपेंड विद अनांसी। कमिंग टू द स्टोरी, इन द ओल्डन डेज देयर वर टू विलेजेस इन अफ्रीका, अपर विलेज एंड द लोअर विलेज। ओल्ड अनांसी डिड नॉट नो टू विच वन ही बिलोंग। ही वुड रन वन विलेज टू अदर hoping that he would get something. He ate their food, joined in their songs and dances and merrymaking and had fun. He was the trickster. That was the way Anansi was. पुराने दिनों में अफ्रीका में दो गांव हुआ करते थे, एक अपर विलेज यानी ऊंचा गांव और दूसरा लोअर विलेज। अपर विलेज ऐसे माना जाता है कि वहां पर ऊंची जाति के लोग रहते हैं और लोअर विलेज में नीची जाति के। अनांसी को ये पता नहीं था कि वो अपर विलेज का है या लोअर विलेज का है। वो एक विलेज से दूसरे विलेज बस जाता दौड़ता इधर उधर कि उसे कुछ तो मिलेगा। वो वहाँ पर खाता, उनके साथ रहता, उनके साथ डांस करता, गाने गाता, उनकी खुशियों में खुश होता और भी चीज़ें वो करता। वो एक चीटर था और यही उसकी पहचान थी। One day there was a feast in the upper village as well as the lower village on the same day that put poor Anansi in a fix. He wanted to go to both feasts. What shall I do? Cried Anansi. I can't be in two places at the same time. It's too bad. He thought and brooded and brooded. He called out to his sons Intikuma and Wicket Singh. They came running. Yes, father, they said. Did you call? Listen, said Anansi, I have a problem, and he told about it. The sons listened patiently. Then they tried to tell him that it was impossible to be in two places at the same time. But would Anansi listen? No, not he. He wanted to be at the both feasts. एक दिन अपर विलेज और लोअर विलेज दोनों गांव में एक साथ दावत थी और एक ही समय पर थी, एक ही वक्त पर थी। अनांसी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो दोनों दावतों में जाना चाहता था। उसने सोचा अब मैं क्या करूँगा क्योंकि मैं एक ही समय पर दो जगहों पर तो नहीं हो सकता और ये बहुत बुरी बात है। उसने सोचा और सोचा। उसने अपने बेटों को बुलाया, इंतिकुमा और विकेत सिंह उसके दो बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया जो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, हाँ बोलिए, आपने हमें बुलाया। तो अनांसी ने कहा कि मुझे एक परेशानी है और उसने अपनी परेशानी उसको बताई। उसके बेटों ने उसको बहुत ध्यान से सुना और वो ये बोलना भी चाहते थे कि दो जगहों पर एक ही समय पर जाना ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या अनांसी उनकी बात सुनता? कभी नहीं, क्योंकि वो तो दोनों दावतों में जाना चाहता था। सडनली ही सेड, आई नो, आई हैव एन आइडिया, आई विल गो टू द प्लेस वेयर द फूड इज
You wait and see, Anansi answered with a sly wink. Just wait and see. The boys looked at each other and shook their head doubtfully. Addressing each of the boys in a turn, Anansi said, get me a long, strong rope, each of you. The boys got the ropes. तभी अचानक अनांसी ने कहा कि मुझे पता है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पहले उस जगह पर जाऊंगा जहाँ पे खाना पहले दिया जा रहा था, और जब मैं वहाँ पर खा लूंगा तो फिर मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। क्या मैं चालाक नहीं हूँ? तब उनके उसके बेटों ने पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर खाना पहले दिया जा रहा है? तब अनांसी ने कहा कि रुको और देखो। तो लड़कों ने सोचा रुको और देखो, और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर एनएनसी ने अपने बेटों से कहा कि तुम लोग जाओ और मेरे लिए एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। वो दोनों गए और एनएनसी के लिए रस्सी लेकर आए। एनएनसी टाइड वन एंड ऑफ ईच रोप अराउंड द मिडल ऑफ हिज बॉडी। नाउ इंतिकुमा माय सन, ही सेड टर्निंग टू लुक एट हिम, टेक्स वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड, hold it tightly and run as fast as you can to the upper village. As soon as the feast starts, give the rope in your hand a good pull. I will come at once to eat the food. Anansi then gave the other end of the rope to his younger son, Wicket Singh, and told him to go to the lower village and give the rope a pull when the feast began. Intikuma and Wicket Singh agreed to do what their father had said. Both the boys started to run, holding the ends of their ropes in their hands, Intikuma to the upper village and the Wicket Singh to the lower village. Now it happened that the feast started in both the villages at the same time when it began in the upper village. Intikuma gave the rope in his hand a pull. At the same time, Wicket Singh gave his end of the rope a pull. Anansi ने अपनी मिडल बॉडी में उन दोनों रस्सी का लास्ट पार्ट, एंड पार्ट जो होता है, उसने उस रस्सी को बांधा और अपने बेटों को उसका एंड पार्ट दे दिया। और दोनों से उसने, इंतिकुमा से उसने कहा कि तुम इस रस्सी को लेकर अपर विलेज में जाओ, और उसने विकेट सिंह से कहा कि तुम इस रस्सी को लेकर लोअर विलेज में जाओ। और तुम लोगों को करना ये है कि अगर इंतिकुमा, अगर अपर विलेज में दावत पहले शुरू हो जाएगी तो इंतिकुमा मुझे अपनी तरफ खींचेगा, और अगर लोअर विलेज में दावत शुरू होगी तो विकेट सिंह मुझे अपनी तरफ खींचेगा। इंतिकुमा और विकेट सिंह जो है ये करने के लिए राजी हो गए, और वो दोनों अपने अपने रस्सी का एंड पार्ट लेकर अपर विलेज और लोअर विलेज में चले गए। अब हुआ ये कि दोनों गांव में दावत जो है वो एक साथ शुरू हो जाती है। इंतिकुमा वो रस्सी अपनी तरफ खींचता है और विकेट सिंह अपनी रस्सी वो अपनी तरफ खींचता है। बोथ द बॉयज पुल्ड, बट एनांसी कुड नॉट रन आइदर वे, बिकॉज एज दे पुल्ड द रोप टाइटेंड अराउंड द वेस्ट। द बॉयज डिड नॉट नो अबाउट दिस। They pulled, and as they pulled, the ropes kept tightening and tightening. Hurry up, father, they shouted. If you don't, there will be no food left. But there was no sign of their father. They pulled and pulled until they were quite exhausted. The poor boys didn't stop pulling until the feast came to an end. Then they rejected their steps to see what had happened and why their father had not come. A strange sight met their eyes. The tight ropes around Anansi's middle had squeezed him completely out of shape. The middle of his body where the ropes had tightened was thin as a reed, but above and below the waist he had puffed out like a balloon. The sad truth was, greedy Anansi had turned into a spider. अब दोनों लड़के जो है वो अपनी अपनी साइड से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन Anansi वो कहीं किसी भी साइड नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे जैसे जैसे पुल वो रस्सी खींचती जा रही थी उसके कमर पे वो और टाइट होते जा रहा था, और इस बारे में उन लड़कों को नहीं पता।
उनके फादर आए क्यों नहीं, और जब वो देखते हैं तो वो देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो रस्सी एनएनसी में बंधी हुई थी वो बिल्कुल उसको उसकी बॉडी का शेप ही वो चेंज हो गया था उनके खींचने की वजह से। उनकी जो मिडिल बॉडी थी जहाँ पे रस्सी बंधी हुई थी वो इतनी टाइट हो गई थी कि अब वहाँ वो बिल्कुल पतला वो शेप हो गया था एक लंबी घास के जैसे, और उसके ऊपर और नीचे वो बलून के जैसे फूल गया था। और सच्चाई यही थी कि अब एनएनसी जो है वो एक स्पाइडर में चेंज हो गया था। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। एंड इन दिस वे योर चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट।